मेरा सवाल आपकी बिगनिंग टॉक से है. यू सेड के पीपल कमिट सुसाइड इन वन इन एवरी टू सेकंड्स, राइट. हम देखते हैं आजकल के कुछ ऐसे पोस्ट आ रहे हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पे लोग ये लिखते हैं कि जो उनके सब ऊपर जुल्म जाती हो रही है. दे से दैट यू नो के जो जालिम हम पे जुल्म करने से पहले हम खुद खुदकुशी कर रहे हैं, ठीक है. और देर वो अपने वालदेन को बोल रहे हैं कि आप हमको कत्ल कर दो इससे पहले कि वो हमारे साथ गलत काम कर रहे हैं. तो क्या ये इल्म की कमजोरी है या वो लोग है ना कि अपनी इज्जत बचाने के लिए जो कर रहे हैं सही है? बारकल्लाहु फीक. भाई ने सवाल में बताया कि कई लोग कई हालात में खुदकुशी करते हैं और ये रिपोर्ट्स आती हैं. अभी हालात में कई लोग बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन की वजह से ये हो गया, इसने फलां की वजह से कर लिया खुदकुशी. और भाई ने एक मिसाल भी बताई है कि कुछ शदीद हालात में अगर वायलेंस किसी ऊपर है तो किसी की इज्जत की बात है तो बोलते हैं उसमें जान चले जाए बेहतर है. देखिए कैसा होता है, अल्लाह कादर है हर हाल में. जब आदमी अल्लाह से डिपेंड है तो याद रखो दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है वो अल्लाह के ताकत के बाहर का नहीं है. अल्लाह ताला के प्रॉब्लम जो है अल्लाह की ताकत से बाहर है, हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ नहीं. अल्लाह जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है. तो हर हाल में सब्र करना यही हम सब के लिए बेटर है. और ये जो हमारी कंट्री में सोच है, क्या सोच है ना, क्या सोच है, लोग ये समझते हैं कि मैं खुदकुशी करके किसी को थप्पड़ मार रहा हूं. कोई बच्चा है समझता है मैं खुदकुशी कर लूंगा तो मेरे माँ बाप ने परेशान किया, मेरे टीचर ने परेशान किया, ये फलां ने परेशान किया, उसके लिए थप्पड़ है. फार्मर सुइसाइड करके एक तरह से चाहते हैं कि फलां गवर्नमेंट को एक मैसेज जाए. लेकिन सही बात यह है कि सिर्फ दुनिया है ना अगर तो खुदकुशी करके है कुछ, लेकिन सिर्फ दुनिया सब कुछ नहीं है. ये इम्तिहान की जगह है, इसके बाद में असल जिंदगी आने वाली है. तो जब ये चीज़ को हम देखते हैं तो सही बात यह है कि ये एक बिल्कुल रॉन्ग सोच है जो यहाँ बन गई है. और अफसोस की बात क्या है ना कि कई मुसलमान भी सोच का शिकार हो जाते हैं. जब हम लोग इस्लाम की दावत नहीं पहुँचाते लोगों में तो हमें उनको मुतासर करना चाहिए, हमें उनको बचाना चाहिए था, उल्टा उनकी गलत सोच यहाँ पे भी आ जाती है. जब लोगों के अंदर इल्म और ईमान की कमी होती है तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं. तो मेरे भाइयों इसमें सही बात तो ये है कि किसी भी हाल में कोई भी प्रॉब्लम है वो अल्लाह ताला की ताकत से बहुत बड़ा नहीं है. अल्लाह पे छोड़ो, जो है वो कैसे अच्छा साबित होगा वो हमें नहीं पता. वो चीज़ जो है अल्लाह को जान पता है, अल्लाह पे छोड़ देना. हम जरिया क्या इख्तियार करते हैं हमारे दिमाग से उस पर रहना चाहिए. क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो करो. तो हम देखते हैं कि ये भी एक चीज़ है. वैसा करते हुए कोई जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुदकुशी करके ना जाए किसी भी हाल में, इजाज़त नहीं है उसकी. उलमा इकराम ने इस बारे में यही बताया है.